дали закончит за день-два, только это спасет наше государство и народ. Это мое убежденное мнение. बाल्टिक देशों में उनके बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है, जिसका लबोलुआब हमारे इस मुहावरे से बिल्कुल मिलता जुलता है, और वो मुहावरा है, वो मारते कम हैं, घसीटते ज्यादा हैं। असल में ये वो लोग हैं जो तमाम तरह के ऑटोमेटिक वेपन और आर्टिलरी से लैस होने के बावजूद कुछ इतने बर्बर हैं कि अपने दुश्मन की गला रेत कर जान लेने में ज्यादा यकीन रखते हैं। उनका मिशन हर हाल में दुश्मन को मटियामेट करना तो होता ही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो किसी भी वक्त खुद को भी मिटा देने के लिए तैयार रहते हैं। अशहदु अल्ला इल्ला अल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यानी दुश्मन की जान लेने के लिए वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आते, और इसीलिए वो जहां भी जाते हैं दुश्मन का आधा खून तो उनका नाम सुनते ही सूख जाता है। और यही बर्बरता इन लोगों को दुनिया की दूसरी मिलिशियाओं यानी लड़ाका ग्रुपों से अलग करती है। फिलहाल यही खूनखार लड़ाके यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के कत्ल की सुपारी उठा चुके हैं, अलग अलग गुटों में बंटकर यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, क्या करते हैं, इनकी खासियत क्या है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से इनकी क्या दुश्मनी है, क्यों ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक इशारे पर किसी की भी जान लेने और अपनी जान देने को तैयार रहते हैं, तो इन सारे सवालों का जवाब आपको बताएंगे। लेकिन पहले जल्दी से एक ऑडियो क्लिप सुनिए और एक वीडियो क्लिप पर भी निगाह डाल लीजिए। товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец, я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы Министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два. Только это спасет наше государство. И народ дал. Это мое глубокое мнение. रूस और यूक्रेन की जंग में फिलहाल ऐसे दो ग्रुप्स यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की जान का दुश्मन बने हैं। इनमें एक है चेचन स्पेशल फोर्सेस, जिन्हें चेचन हंटर्स के नाम से भी जाना जाता है, जबकि दूसरा है वैगनर ग्रुप, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट आर्मीज में से एक है। फिलहाल इल्जाम यह है कि यही चेचन हंटर्स रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की समेत यूक्रेन के तमाम टॉप ऑफिशियल्स के कत्ल की सुपारी लेकर यूक्रेन में घुस चुके हैं। और तो और, इन्होंने घात लगाकर यूक्रेनी फौज पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। इस ग्रुप के पास रूस की ओर से सौंपी गई एक ऐसी किल लिस्ट है जिसमें यूक्रेन के 25 टॉप ऑफिशियल्स के नाम, पते और तस्वीरों समेत पूरा ब्यौरा दर्ज है। सूत्रों का दावा है कि इस मिलिशिया के लीडर रमजान कादिरोव ने अपनी इस खास टुकड़ी के हर लड़ाके के हिस्से में अलग अलग जिम्मेदारी दे रखी है, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनके ऑफिशियल्स को बंदी बनाने से लेकर उन्हें मार डालने तक का काम शामिल है। रमजान के इरादे कितने खूनखार है ये उसके इस वायरल ऑडियो से ही पता चल जाता है, जिसमें वो पुतिन से गुजारिश कर रहा है कि वो बस 2 दिनों के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, वो यूक्रेन का मसला चुटकियों में सुलझा देगा। товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец, я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы Министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два,
только это спасет нашу государство и народ. Это мое глубокое мнение. पिछले दिनों चेचन्या की सरकारी टीवी ने इस मिलिशिया से जुड़ी एक खबर प्रसारित की थी। इसमें पुतिन के साथ चेचन नेता रमजान कादिरोव के मुलाकात करने का भी जिक्र था। खबरों में चेचन स्पेशल फोर्सेस यानी चेचन हंटर्स की इस टुकड़ी के मिशन चालू किए जाने की बात का जिक्र तो था ही। यूक्रेन के किसी गुमनाम जंगली ठिकाने से मिशन शुरू करने से पहले उनके सामूहिक नमाज की तस्वीरों का भी जिक्र था, जो तस्वीरें बाद में बड़ी तेजी से वायरल हुई। इस ग्रुप के लीडर 46 साल के रमजान कादिरोव रूस के चेचन्या इलाके का मुखिया बताया जाता है। कादिरोव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अपना आका मानता है। रमजान ने कई बार कहा है कि पुतिन की नीतियां और उनका वचन ही उसके लिए शासन है। उसके लिए पुतिन सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं बल्कि वो इंसान है जिसने उनके लोगों की हिफाजत की है। और अब जब रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो रमजान कादिरोव के पास अपनी वफादारी साबित करने का अच्छा मौका है, और इन्हीं वजहों से उसने 10,000 लड़ाकों का एक पूरा ग्रुप यूक्रेन के मिशन पर लगा दिया है। उन्हें एक हिट लिस्ट भी सौंपी है। Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы Министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два. Только это спасет наше государство. Это мое глубокое мнение. रमजान कादिरोव ने हर काम के लिए अपने जवानों को रेड कार्ड तक तैयार करके दिया है, जिसमें यूक्रेन के एक टैंक को तबाह करने पर $20,000 का इनाम देने की बात कही गई है। हालांकि चेचन हंटर्स को यूक्रेनी फौज से कड़ी टक्कर मिल रही है। यूक्रेन का दावा है कि हमला करने आए चेचन्या ग्रुप के कई लड़ाकों को उसने मार गिरा है। कीव शहर के बाहर होस्टोमेल इलाके में आमने सामने की जंग में यूक्रेनी फौज ने न सिर्फ कई चेचन टैंकों को उड़ा दिया बल्कि चेचन जनरल मगोमेद तुशायेव को ढेर कर दिया, जो चेचन नेशनल गार्ड के 141 मोटराइज्ड रेजिमेंट का मुखिया भी था। अब बात यूक्रेन में रूस की ओर से जंग लड़ रही एक प्राइवेट आर्मी यानी वैगनर ग्रुप की। वैगनर ग्रुप दरअसल एक निजी सैन्य कंपनी यानी प्राइवेट आर्मी है, जिस पर दुनिया भर के अलग अलग देशों में रूसी सरकार के लिए छद्म युद्ध लड़ने का इल्जाम लगता रहा है। इनमें लीबिया, सीरिया, मोजाम्बिक, माली, सूडान और मध्य अफ्रीका के देश शामिल हैं। कहते हैं कि इस ग्रुप ने इन देशों में गृह युद्ध की आग भी भड़काई। यहाँ तक कि 2015 से 2018 के बीच वैगनर ग्रुप ने रूस की सेना और बशर अल असद के साथ मिलकर विरोधियों से सीरिया में लड़ाई की। इस ग्रुप का सरगना दिमित्री उत्किन को बताया जाता है, जो कि पहले रूसी सेना में ही लेफ्टिनेंट रह चुका है और रूस की खुफिया एजेंसी जीआरयू में भी काम कर चुका है। दिमित्री ने ही 2014 में इस ग्रुप की शुरुआत की थी और लगातार क्रेमलिन के संपर्क में बना रहा। हालांकि रूस ने ऐसी खबरों से हमेशा इनकार किया है। 2017 में आई ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि वैगनर ग्रुप ने रूस की मदद से 6,000 किराए के कातिलों की फौज तैयार कर ली है, जो रूस और रूसी सेना के इशारे पर अलग अलग ऑपरेशंस और टारगेट किलिंग को अंजाम देती है। और तो और दावा यहां तक किया गया कि इस ग्रुप का मैनेजमेंट रूसी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी के हाथों में ही है, जिनकी सरकार के प्रति कोई खास जिम्मेदारी नहीं है। इस ग्रुप पर मानवाधिकार हनन और जुल्म-ओ-सितम के इल्जाम लगते रहे हैं। वैगनर ग्रुप पर यूक्रेन के डोनबास में 2014 में शहरियों को सताने और उनका कत्ल करने के भी इल्जाम लगे थे। इसके बाद दिसंबर 2021 में यूरोपियन यूनियन ने इस ग्रुप को बैन कर दिया था। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक ठीक चेचन हंटर्स की तरह इस ग्रुप ने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति समेत कई बड़े लोगों को टारगेट करने की सुपारी उठा ली है।